हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं आपका अभिनंदन सर और मैं आप सभी का आप कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने लाइंस एंड एंगल्स जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइंस और एंगल्स में हम लोगों ने क्या देखा था, एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लिया था, एग्जाम्पल डिस्कस हो गए थे। आज हम लोग को क्या करना है बेटा, आज हम लोग को एक्सरसाइज को सॉल्व करना है ना। हाँ सर, आज एक्सरसाइज बताना है, एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या करवाना चाह रहा है और क्या फाइंड करवाना चाहता है। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, इन द फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो बेटा, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पॉइंट पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा, इफ एंगल ए ओ सी। अब देखो बेटा, गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, इज इक्वल टू 70 डिग्री। और सर क्या कह रहा है, और बेटा देखो, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बेटा क्या चाहता है, फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो बेटा आप लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई का सम बेटा 70 डिग्री दिया हुआ है। अब यहां पर देखो, फिगर में देखो बेटा, फिगर में देखो, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ ई का सम, बी ओ ई बेटा इनका सम, दोनों का सम मिला के दिया हुआ है, दोनों का सम मिला के दिया है 70 डिग्री। क्लियर है ना, बिल्कुल सर क्लियर है। बी ओ डी बेटा कितना दिया हुआ है, बी ओ डी कितना दिया हुआ है बेटा, देखो क्वेश्चन में देखो, बी ओ डी कितना दिया हुआ है, बी ओ डी दिया है सर 40 डिग्री। बी ओ डी कितना दिया है सर, 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बेटा हमसे क्या चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि बी ओ ई एंगल बता दो और सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल बता दो। अभी हम बताएंगे सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग बी ओ ई को निकालते हैं, ठीक है बेटा, पहले बी ओ ई को निकालते हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप ये देखो बेटा, फिगर में देखो, बी ओ डी, बी ओ डी और सी ओ ए, बी ओ डी और सी ओ ए, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन है बेटा, ध्यान से देखो, ये दोनों कैसे एंगल हैं सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जो आमने सामने होते हैं। मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था बेटा आपको ना, जो आमने सामने होते हैं क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बेटा हम लोग कैसे करेंगे, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी क्यों हो जाएगा ऐसा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए। बेटा आपको पूरा लिखना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा आपको लिखना है, मैं यहां शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं और मैं बोल भी रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके ठीक सर। अब AOC की वैल्यू हमें चाहिए, AOC की वैल्यू हमें चाहिए और BOD गिवन है, BOD गिवन है कितना बेटा, 40 डिग्री। इसका मतलब AOC भी कितना आ गया सर, 40 आ गया, AOC तो 40 आ गया सर, AOC हमको सर 40 मिल गया सर, बहुत अच्छा AOC मिल गया, एक जगह हम लोग पहुंच गए। लेकिन सर हमको तो BOE चाहिए, AOC नहीं चाहिए, BOE चाहिए सर, BOE, B O E. हाँ बेटा हमको बी ओ ई चाहिए सर, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, ए ओ सी और बी ओ ई का सम भी दिया है बेटा, यहां देखो आप, ए ओ सी और बी ओ ई का सम दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई का सम बेटा कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया है सर, 70 दिया हुआ है। और अभी बेटा हम लोग ने ए ओ सी की वैल्यू फाइंड कर ली है, AOC की वैल्यू फाइंड कर ली है, कितनी की है बेटा, 40 डिग्री।
एओसी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्लियर बेटा, 70 डिग्री हमें चाहिए था, एंगल बीओई की वैल्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। बेटा देखो हम लोग को यहां से क्या फाइंड हो गया, एंगल बीओई मिल गया 30 डिग्री, एंगल बीओई कितना मिल गया बेटा 30 डिग्री। क्लियर है, 40 30 हमें दोनों एंगल मिल गए। जल्दी से नोट डाउन करें, इसके बाद हम बताएंगे कि हमें रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करना है, सीओई का रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करना है। जल्दी से करें बेटा इसको। चलिए बेटा आगे देखते हैं, अब ध्यान से देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। एओबी देखो बेटा एक स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, एओबी कैसी बेटा स्ट्रेट लाइन ना, तो आप देखो यहां पर एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ना, एओबी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है बेटा, सारे एंगल्स का सम कितना होता है, कितना होता है, ये लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं बेटा, लीनियर पेयर एंगल, इन सबका कितना सम होता है 180 डिग्री होता है। तो बेटा हम लोग कैसे करेंगे, एओसी एओसी प्लस सीओई प्लस ईओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, इतना क्लियर हो गया है। एओसी बेटा आपको कितना दे रखा है 40 डिग्री, एओसी आपको दिया है 40 डिग्री, सीओई हमें फाइंड करना था, सीओई हमें फाइंड करना था, ईओबी अभी इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की थी 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 डिग्री। क्लियर है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं बेटा, एंगल सीओई प्लस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देन सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 इज इक्वल टू 110। कितना आ गया बेटा सीओई, कितना आ गया बेटा एंगल सीओई कितना मिला 110 हमें क्लियर हो गया। अब देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर यहां तीनों एंगल्स को सम करें तो देखो बेटा 180 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 180 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो बेटा 110 40 30 0 437 18 n1 180 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था बेटा, हमें तो पहले चाहिए था BOE चाहिए था, हमें 30 फाइंड कर लिया, और हमें चाहिए था रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE। बेटा देखो जब भी हमको किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है उस एंगल को हम लोग 360 से क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे, उस एंगल को क्या करेंगे 360 से क्या करेंगे बेटा माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, बहुत बढ़िया माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई, यही तो निकालना है। और हमने अभी फाइंड किया है सीओई इज इक्वल टू 110 डिग्री, सीओई इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब आगे देखते हैं हमको रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई। हमने बताया ना कि जिस एंगल का हमको रिफ्लेक्स एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे उस एंगल को 360 से माइनस कर देंगे, इतना ही करना है हमको। देन 360 माइनस सीओई बेटा कितना आया है, सीओई कितना आया है, सीओई 110 डिग्री। हम लोग माइनस कर लेंगे, 0 से 0 माइनस 0, 6 से 1 माइनस 5, 3 से 1 माइनस 2, हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ गया रिफ्लेक्स एंगल ऑफ
सॉरी बेटा, COE, COE कितना आ गया बेटा, 250 डिग्री। तो जल्दी से बेटा इसको नोट डाउन करो, बहुत इजी क्वेश्चन था। जहां पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट सेशन में आप लोग हमसे क्लियर कर सकते हैं और हम आपको पूरी तरीके से संतुष्ट भी करेंगे। तो जल्दी इसको नोट डाउन करते हैं और मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू में एक फिगर बना हुआ आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू दिख रहा है और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन टू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, फिगर में हमें, इस फिगर ने हमें क्या क्या दिया है, इस फिगर ने हमें क्या क्या दिया है, मतलब गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, हम लोग पहले लिखेंगे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट 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 एट ओ। और क्या दिया है सर, इफ एंगल पी ओ वाई, पी ओ वाई, इफ एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री एंड, अब बेटा जो गिवन है लिख लेंगे, इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, पी ओ वाई 90 दिया है एंड ए रेशियो बी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 2:3। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि फाइंड सी, सी एंगल को फाइंड कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। तो यहां पर सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे बेटा, इस फिगर में देखो ध्यान से, इस फिगर में ध्यान से देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्स ओ पी, ध्यान से देखो, एक्स ओ पी पी ओ वाई, एक्स ओ पी पी ओ वाई। अगर हम इन पूरे एंगल्स को देखें बेटा, ध्यान से देखना, जो मैं ग्रीन लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये दो एंगल देखिए आप, ये दोनों एंगल कैसे हैं बेटा, लीनियर पेयर एंगल है ना, एलपीए। तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा सर। बहुत अच्छा, तो बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स ओ पी पहले क्या करेंगे, एंगल एक्स ओ पी प्लस प्लस एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इससे क्या सर, इससे क्या करेंगे हम लोग, आगे क्या करेंगे, तो देखो बेटा क्या कर सकते हैं आगे हम लोग, अब हमको पी ओ वाई गिवन है, पी ओ वाई गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो हम लोग पहले यहां से एक्स ओ पी को फाइंड कर लेंगे, एक्स ओ पी को क्या कर लेंगे बेटा, फाइंड कर लेंगे। तो कर लेते हैं, एक्स ओ पी कितना आ गया बेटा, एक्स ओ पी कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने क्या किया, एक्स ओ पी की वैल्यू निकाल दी 90 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब बेटा आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे क्या कर सकते हैं, अब यहां चलते हैं। हमें दिया हुआ है ए रेशियो बी, हमें क्या दिया बेटा, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी हमें गिवन है, कितना गिवन है बेटा, 2:3। हम लोग इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब बेटा यहां से देखो, यहां से देखो, ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 बी। ए की वैल्यू बेटा क्या आ गई, ए इज इक्वल टू 2/3 बी। इतना क्लियर हो गया, का मतलब हम लोग ए की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं ए को 2/3 बी से, रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पर ए लिखा होगा वहां पर क्या कर देंगे बेटा, 2/3 बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बच्चे इतना जल्दी से नोट डाउन करें, फिर इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो बेटा, हम लोग ने अभी निकाला था, अभी हम लोग ने फाइंड किया था एक्स ओ पी की वैल्यू 90 डिग्री, एक्स ओ पी की वैल्यू क्या करी थी हम लोग ने, 90 डिग्री को फाइंड किया था ना, बिल्कुल किया था सर। अब बेटा ध्यान से देखो, एक्स ओ पी जो है, एक्स ओ पी दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, एक्स ओ पी दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों एंगल जब मिल जाते हैं, कौन कौन से, एक्स ओ एम, एम ओ पी, कौन कौन से बेटा, एक्स ओ एम एम ओ पी, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, क्या बना देते हैं, एंगल एक्स ओ पी, पूरा पूरा कंप्लीट कर देते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, जब दोनों मिल जाते हैं तो एक्स ओ पी को बना देते हैं।
बिल्कुल सही है सर। तो SOM प्लस MOP, और SOP की वैल्यू क्या थी बेटा? 90 डिग्री। कहां से निकाली सर आपने? ये कहां से लिख दिया आपने? ये देखो बेटा 90 डिग्री, SOP 90। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब देखो बेटा आगे XOM की वैल्यू क्या? XOM की वैल्यू क्या? B। XOM की वैल्यू क्या है बेटा? B है। XOM की वैल्यू क्या है? B है। और एंगल MOP की वैल्यू क्या है सर? क्वेश्चन में तो A दे रखी है, ठीक, क्वेश्चन में तो A दे रखी है। क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बेटा B प्लस A इक्वल टू हो गया है 90। B प्लस A इक्वल टू हो गया 90, ठीक है। जब 90 हो गया है तो अब देखो बेटा B प्लस, और A की वैल्यू भी हम लोग ने B के फॉर्म में फाइंड की थी, 2/3 B, 2/3 B। तो मैंने क्या किया बेटा, A की जगह पर 2/3 B को प्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बेटा, 3B प्लस 2B/3 इज इक्वल टू 90। क्लियर है बेटा? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 3B प्लस 2B इक्वल टू 5B/3 इक्वल टू 90। क्लियर? आगे देखो बेटा 5B इज इक्वल टू 3 कहाँ चला जाएगा बेटा, 90 के पास मल्टीप्लाई में। 90 के पास कहाँ चला जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 90 × 3/5। 5 की टेबल आती है मुझको, आती है 5 की टेबल मुझको आती है। 5 बन जा 5, 4 आ गया 0 के पास, 40 हो गया, 40 हो गया सर। 5 की टेबल में 40 कहां पर आता है? 8 टाइम्स आता है। B इज इक्वल टू 18 × 3, देन B इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 54 डिग्री। कितना हो गया बेटा, 54 डिग्री हो गया, 54 डिग्री। सर B तक तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया सर, 54 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया था बेटा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड एंगल C। C को बताइए सर, आपने तो B को निकाल दिया है, C को बताइए। C को भी बता देते हैं, C ने क्या कहा था पता है? C ने कहा था कि मेरे पास पहुंचने से पहले तुमको B के पास पहुंचना पड़ेगा, तभी निकाल पाओगे मुझको। तो हम लोग क्या करें, B के पास पहले, B के पास पहुंचे और B की वैल्यू निकाल ली हम लोग ने। अब हम लोग कहां चलेंगे, C के पास चलेंगे, ठीक है। चलिए C के पास चलते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, MON, MON क्या है? MON एक स्ट्रेट लाइन है। MON क्या है बेटा? MON इज अ स्ट्रेट लाइन। MON क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब उस स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले जितने भी एंगल हैं उनका सम क्या होगा? 180 होगा सर, 180 होगा, बिल्कुल 180 होगा। तो देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल है XOM, XOM, क्लियर? XOM, और दूसरा एंगल XON, XON, XOM, XON, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब XOM B था, XON C है, 180 डिग्री, क्लियर? सर B की वैल्यू तो हमने निकाल ली थी 54 डिग्री, बिल्कुल 54 रिप्लेस कर देंगे यहां पर, 180 डिग्री, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो बेटा यहां से देखो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। माइनस करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, चलो माइनस करते हैं। वन कैरी लिया 10, 10 से 4 माइनस किया 6, 7, 7 से 5 गया 2। बेटा आपकी C की वैल्यू फाइंड हो गई है, C की वैल्यू फाइंड हो गई है 126। C की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 126। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। जल्दी से सारे बच्चे इसको जल्दी से कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ बेटा, तो चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन 3 पर चलते हैं। और सॉल्यूशन 3 में बेटा, क्वेश्चन 3 में पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। 3 में लिखा हुआ है, 3 में क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया है उसने इस बार, एंगल PQR क्या गिवन है बेटा,
एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल बेटा ये बिल्कुल भी बराबर है, इक्वल है पी आर क्यू के। पी आर क्यू के बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सही है सर। तो क्या करें सर, इसका क्या करना, क्या है प्रूफ करना है बेटा, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल PRT, PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो स्लैंट लाइन क्या है, स्टैंड है, और यहां पर जो है हमें PQR और PRQ इक्वल दे दिए गए हैं, और क्या पूछ लिया गया है, PQS को PRT के बराबर इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा, सबसे पहले देखेंगे कि PQR और PRQ दोनों को इन्होंने इक्वल दिया हुआ है, तो यानी कि दोनों को हम कोई भी एक वेरिएबल से लेट कर सकते हैं, और वेरिएबल सेम होने चाहिए क्योंकि एंगल भी हमारे सेम है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू ए, कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी, अपना नाम लेट कर ले, अपना नाम लेट कर लेना। ठीक है, यहां पर कोई अल्फाबेट ही आपको लेट करना है, तो हमने लेट कर लिया ए, क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो बेटा यहां पर देखो बेटा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री। अरे सर ये कैसे लिख दिया आपने, ये कैसे, आप तो हर जगह 180 डिग्री कर देते हैं, हर जगह 180 डिग्री हो जाता है। नहीं बेटा, कंसेप्ट है यहां पर, कैसे 180 किया आप बेटा, अगर फिगर को इतना आप क्या करो, छुपा लो, केवल यहां देखो बेटा, इतने पोर्शन में देखो, तो यहां पर देखो बेटा दो एंगल हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहा है ना, दो एंगल स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहे हैं, तो दोनों एंगल कैसे हो गए, लीनियर पेयर हो गए, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर एंगल कैसे होते हैं, उनका सम कैसा होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए मैंने यहां पर 180 डिग्री को लिख लिया। क्लियर है, ठीक है। अब PQR इज इक्वल टू 180, और PQR को बेटा भी लेट किया था हमने, कितना, ए लेट कर लिया था, क्लियर है। PQS प्लस ए इज इक्वल टू 180। सर ए कहां से आ गया, अभी देखो बेटा ऊपर, PQR और PQS दोनों को हमने क्या लेट कर लिया था, क्या लेट कर लिया था, ए लेट कर लिया था, क्लियर है ना। देखो PQR फिर से देख लो बेटा, PQR PRQ है ना। अब यहां देखो PQS, तो ये तो हमको प्रूफ करना है, PQR ये आपने ए लेट किया था, और PQR की जगह पर मैंने ए को प्लेस कर दिया। ठीक, तो यहां से बेटा देखो इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ गई, क्लियर है ना। अब यही वाला काम बेटा हम किधर करेंगे, इस तरफ करके देखते हैं, PRQ एंगल PRQ प्लस PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बेटा ये भी यहां पर देखो, यहां पर भी देखो दोनों कैसे एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं ना, लीनियर पेयर बन रहे हैं, इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर इन दोनों को भी प्लस कर दिया और 180 के इक्वल में लिख दिया। अब देखो बेटा यहां पर PRT और PRQ बेटा लेट किया था हम लोगों ने ए, क्योंकि दोनों एंगल बराबर थे, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब बेटा एक चीज आप ध्यान रखो कि जब भी किन्हीं क्वेश्चन, किन्हीं दो ही क्वेश्चन के अगर LHS इक्वल हैं, अगर LHS इक्वल हैं तो अपने आप उनके RHS भी इक्वल हो जाते हैं, और अगर RHS इक्वल है तो हम उनके LHS को भी इक्वल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बेटा यहां पर देखो, दोनों क्वेश्चन में जो आपका RHS है, मीन्स राइट हैंड साइड है, वो तो बिल्कुल कैसी है बेटा, बिल्कुल इक्वल है 180 180। तो इसके जो LHS पोर्शन है हम इसको भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल पी क्यू एस प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी इज इक्वल टू
प्लस एंगल पी आर टी। मैंने क्या किया बेटा, मैंने फर्स्ट इक्वेशन के एलएचएस को सेकंड इक्वेशन के एलएचएस के बिल्कुल इक्वल लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का जो एलएचएस आरएचएस था और सेकंड इक्वेशन का जो आरएचएस था वो पहले से सेम था, इसलिए इनके एलएचएस को भी हमने इक्वल में लिख दिया। सर कुछ यहाँ पे एक जैसा दिखाई दे रहा है, एलएचएस और आरएचएस पोर्शन में एक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है सर, इधर भी ए दिखाई दे रहा है, इधर भी ए दिखाई दे रहा है, दोनों को हटा देते हैं सर। बिल्कुल हटा दो, कोई काम नहीं इनका। ए क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गए। तो बेटा यहां से क्या प्रूफ हो गया, एंगल पी क्यू एच इक्वल टू एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एच इक्वल टू एंगल पी आर टी। और हमें बेटा क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, पी क्यू एस को पी आर टी के इक्वल ही प्रूफ करना था। और हमने जल्दी से बहुत इजी तरीके से हम लोग ने क्या किया, पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर प्रूफ कर दिया है, पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर प्रूफ कर दिया है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए बेटा, यहाँ पर फिगर आपके सामने बना हुआ है, स्क्रीन पर आपके फिगर बना हुआ है। और क्वेश्चन नंबर फोर में आप फिगर को ध्यान से देखें और हमें क्या गिवन है, इस बार क्वेश्चन है हमें क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन है दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई का सम, जो एक्स और वाई का जो सम है वो डब्ल्यू और जेड के सम के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन ने दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक्स और वाई का जो सम है वो डब्ल्यू और जेड के सम के इक्वल है। क्या प्रूफ कराना चाहता है क्वेश्चन, क्या चाहता है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो ए ओ बी एक लाइन जो आपको दिख रही है ना, इसे प्रूफ करो कि ये एक लाइन रियल में एक लाइन है। देखो बेटा अगर ये लाइन है तो इस पर जो एंगल्स बन रहे हैं, इस पर जो एंगल बन रहे हैं, जैसे आप जेड या डब्ल्यू को ले लो या वाई और एक्स को ले लो, ठीक है, या तो डब्ल्यू और जेड और वाई और एक्स, अगर हम डब्ल्यू और जेड का सम 180 प्रूफ कर दें या एक्स और वाई का 180 सम प्रूफ कर दें, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ओ बी एक लाइन प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एक्स और वाई के सम को या तो 180 दिखा देना है, प्रूफ कर देना है, या जेड और डब्ल्यू को 180 के प्रूफ कर देना है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज हम ये बताएंगे कि जो कंप्लीट सर्कल होता है बेटा कितनी डिग्री का होता है, कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री का होता है। हाँ सर ये तो पता है, नॉर्मल सी चीज है, कंप्लीट जो होता है सर्कल, कंप्लीट एंगल जो होता है कितने का होता है बेटा, 360 का होता है। तो इसी का यूज है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, चार एंगल बेटा यहां देखो, फोर एंगल यहां ड्रॉ किए गए हैं, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, तो हम लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। अब बेटा अगर हम चारों एंगल को सम कर देंगे तो देखो एक कंप्लीट एंगल फॉर्म हो गया ना, चारों एंगल को सम कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा, यहां देखो बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा, डब्ल्यू प्लस जेड है। इसका मतलब हम लोग एक्स प्लस वाई की जगह पर डब्ल्यू प्लस जेड को प्लेस कर सकते हैं या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर एक्स प्लस वाई को प्लेस कर सकते हैं, हम दोनों तरीके से बताएंगे। एक्स प्लस वाई की जगह पर पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू प्लस जेड को प्लेस कर दे रहे हैं, इसकी जगह पर बेटा हमने क्या किया, डब्ल्यू प्लस जेड को प्लेस कर दिया, और जो आगे डब्ल्यू प्लस जेड लिखा हुआ है इसको एज इट इज नोट डाउन कर लिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। डब्ल्यू डब्ल्यू टू डब्ल्यू जेड इज जेड टू जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, टू बेटा आपका कॉमन हो गया, डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा यहां से क्या आ गया, डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री आ गया ना बेटा, W प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। इट मीन जो ए ओ बी है वो आपकी एक लाइन है, हम तो लिख सकते हैं, सो वी कैन से व्हाट, वी कैन से व्हाट, वी कैन से ए ओ बी इज अ लाइन। क्लियर है, ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने कहा था सर दोनों तरीके से बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन करो बेटा, सारे बच्चे इसको नोट डाउन करें, इसके बाद को हम दूसरे तरीके से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। क्लियर है? अब देखो बेटा यहां पर क्या दिया है, अगर ऐसे समझो ए बी के बराबर है, ए बी के बराबर है, जैसे ये मार्कर
ब्लैक वाला मार्कर रेड वाले मार्कर के बराबर है तो रेड वाला मार्कर भी ब्लैक वाले मार्कर के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। इसी तरह देखो बेटा यहां पर अगर x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है तो डब्ल्यू प्लस जेड भी x प्लस वाई के बराबर होगा। इस बार क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई को छोड़ दे रहे हैं और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई को प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 360 डिग्री, एक्स एक्स टू एक्स वाई वाई टू वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, टू चला गया कॉमन इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर। देखो बेटा यहां से भी क्या हो गया, एक्स प्लस वाई को भी हमने क्या कर दिया, 180 के प्रूफ कर दिया ना इक्वल में। इसका मतलब हम फिर से क्या बोल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं वी कैन राइट और से दैट व्हाट एओबी इज अ लाइन, क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो बेटा इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। और आज हम लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 6.1 के चार बहुत ही इजी क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बट ये आपके लिए तभी इजी बनेंगे जब आप इनकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। खूब प्रैक्टिस कीजिए इनकी और इसके आगे के क्वेश्चंस को बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग खूब मेहनत करो, खूब अच्छे से क्वेश्चंस लगाओ, जो भी डाउट्स हो हमसे डाउट सेशन में क्लियर करो। ओके बेटा।